हेलो फ्रेंड, मुन्ना स्मार्ट एलईडी ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्मार्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि अब ये हमारा ट्रेनिंग जो है वो स्मार्ट टीवी, ऑल पैनल और बोर्डिंग, ये तीन ही सब्जेक्ट पर मतलब हम इसको सीमित किए हैं। हालांकि आप समझेंगे कि स्मार्ट टीवी मतलब स्मार्ट ही सिर्फ नहीं होगा, स्मार्ट की पावर सप्लाई होगी, स्मार्ट की जितनी है प्रॉब्लम, EMMC चेंज करना, JTAG करना, रीड करना, फर्मवेयर, ये जितनी है अभी स्मार्ट का जो है वो युग है, जमाना है। बहुत लोग बोलते हैं कि जैसे ये आप बोर्ड देख रहे होंगे, ये एक बांग्लादेश का वाल्टन टीवी का फेमस कंपनी का एक बोर्ड है, वहाँ पर बहुत वाल्टन चलती है और ये वाल्टन का ही होगा। जो बांग्लादेश अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो जान रहे होंगे कि सर क्या बोलना चाहते हैं। वे वाल्टन में ही कुछ इसी तरह से वहाँ की वायर, यहाँ की कनेक्शन कुछ इसी तरह से लगी हुई रहती है और ये उस वाल्टन की बोर्ड है और ये जो है वो वाल्टन की रिमोट है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाल्टन लिखा हुआ है, यानी ये वाल्टन लिखा हुआ है। हमारी ये जो पैनल है ये फुल HD की पैनल है और इसमें जो है HD का सॉफ्टवेयर है, यानी ये HD की पैनल में आती है। ये हमारी जो है ये वाल्टन है, यानी बांग्लादेश की कंपनी थी। इसकी सिस्टम आप देख रहे होंगे MediaTek 5510 और ये हमारी सेम बोर्ड नंबर सेम है, TP.MT5510i PB801। और यही बोर्ड हमारे इंडिया में चलता है, यही इसी नाम से TP.MT5510i PB801। और इसकी कुछ स्ट्रक्चर अलग हो जाती है, जैसे कि हमारी इंडिया में इस तरह का पिन आउट मिलता है LBDS और बांग्लादेश में जो है इस तरह का पिन आउट होता है। और इसके बाद हमारी जो सिस्टम है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पर हमारी सिस्टम आपको दिखाई दे रहा होगा आपको, ये 5659 और यहाँ पर सिस्टम आप देखिए 5510। इसलिए इसका सॉफ्टवेयर, इसका फॉर्मवेयर इसमें नहीं चलेगा, इसका फॉर्मवेयर इसमें नहीं चलेगा। हमने बहुत कोशिश किया, ये पेन ड्राइव से नहीं हो पा रहा है और ये हमारी लोगो हैंग में आकर रुका हुआ है। दिख रहा है बहुत देर से चलाया हुआ हूँ, ये आगे बढ़ ही नहीं रहा है। कोई रिमोट फंक्शन जो है ये रिमोट काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर लोगो हैंग हो आकर ये हमारी TV एकदम लोगो, यहाँ पर आप इस पे मत जाओ, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस रंग पे ना जाओ क्योंकि इसमें मैपिंग की प्रॉब्लम है। ये मैपिंग है, ये वाल्टन है, मैपिंग की प्रॉब्लम है। आपको दिख रहा होगा ये WALTON वाल्टन N यहाँ पर दिख रहा होगा आपका वाल्टन, ये कुछ इस तरह से यहाँ पर सादा एक आती है। और दोस्तों, हमारा जो ट्रेनिंग है कलकत्ता में जल्दी से स्टार्ट होने जा रहा है, इसी महीने 18 तारीख को A to Z प्रैक्टिकल। उसके बाद हमारा ट्रेनिंग होगा मुंबई में और इसके बाद हमारा होगा फिर बांग्लादेश में। बांग्लादेश में अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, बांग्लादेश से अपना ट्रेनिंग लेते चान और यदि बोर्डिंग मशीन किनते चान और यदि यही रकम माइक्रोस्कोप किनते जान जेटा हमारे का आचे से बांग्लादेश এখন মাইক্রোস্কোপ অ্যাভেলেবল হয়ে গেছে, বোর্ডিং মেশিন অ্যাভেলেবল হয়ে গেছে। আপনার যত পিস লাগবে দেওয়া যাবে, আপনি 01791262021 কল করুন আর ট্রেনিংয়ের জন্যও আপনি সিট বুক দিতে পারেন, ট্রেনিংও হবে। আপনার ইয়াদ রাখনা দোস্ত, আভি নেট কাজ জমানা হ্যাঁ, 4G কাজ জমানা হ্যাঁ, 5G কাজ জমানা হ্যাঁ। আগর আপলোক স্মার্ট, আভি স্মার্ট কাজ যুগ হ্যাঁ, স্মার্ট টিভি যো হ্যাঁ তুরন্ত হমকো এক মিনট মে इसको हम JTAG करके और इसको हम लोग चालू कर सकते हैं। अब आइए हम लोग इसको JTAG कर दें। याद रखना है, JTAG करने की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है, आपको बहुत सा लाइन से गुजरना पड़ता है। आप सोचोगे कि वीडियो देखकर ही JTAG कर देते, यह संभव है और ये 10 मिनट का वीडियो नहीं है। मेरे को यहाँ पर कनेक्शन करना होगा, पूरी JTAG करना होगा, पूरी फाइल चलाना होगा, उसकी प्रक्रिया लगभग 1.5 घंटे 2 घंटा 2.5 घंटा बहुत सारा समय लग सकता है। लेकिन ये लोगो हैंग पर आकर रुका हुआ है, इसको हमको क्या करना है, ठीक करना है। तो हम लोग तुरंत कनेक्शन करें। आपको पहले इस तरह से JTAG की कनेक्शन करना होगा, हर जगह आपको याद रखना होगा, JTAG पिन को फाइंड आउट करना पड़ता है और फिर आपको अपनी प्रोग्रामर में आप जा सकते हैं और प्रोग्रामर में आपको सॉरी लैपटॉप में जा सकते हैं और उसके बाद H से
आप जहां पर जो रखते हैं, आपको याद रखना होगा दोस्तों, जहां पर आप जो रखते हैं आप उसी जगह से आपको फाइल लेना है और फाइल देना है। आपको याद रखना होगा कि आप अगर सोचोगे कि ये तुरंत 2 मिनट का काम है, 3 मिनट का काम है, तुरंत जैसे तैसे कर दें, तो ये हमारी जेटेक के बजाय ये पूरी डेट हो जाएगी। यहाँ पर हमारी इंडियन बोर्ड है और यहाँ पर ये वाल्टन है, ये वाल्टन मतलब ये बांग्लादेश की, इसकी LBD केबल कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा वो लोगो हैंग, बहुत सारी प्रॉब्लम होता है। अभी हमारी बांग्लादेश में जो ट्रेनिंग है वो समाप्त हुई है और नेक्स्ट ट्रेनिंग अबार बांग्लादेश से शीघ्र ही चालू होबे। अपनारा शुद्ध यही नंबर गए जोगाजोग करें कॉल दिन, और कोलकाता के लिए इस नंबर पर तुरंत 18 तारीख को इसी महीने में 5 दिन की क्लास है, और हम इसको अब इसमें डालेंगे, क्या डालेंगे, बैकअप फाइल, जिसको बोलते हैं डम फाइल, जिसको बोलते हैं जेटेक फाइल, बहुत तरह से नामों से जाना जाता है। स्मार्ट आइडेंटिटी में जाकर तो ये आपको मालूम होगा, इस पर बहुत सारी काफी वीडियो बन चुकी है कि कहां पर सेटिंग देना पड़ता है और किस तरह से हमको करना पड़ता है। ये MMC ISP पे हम लोग जाकर इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद फाइल को हम लोग रीड करेंगे। ये आपको याद रखना होगा कि आपकी बैकअप होनी चाहिए, आपके पास फॉर्मवेयर होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने इसको बैकअप डाला और डालने के बाद अब हम आपके सामने ऑन करेंगे कि ये हमारी क्या सिचुएशन में आ रहा है, कि हालांकि ये पेन ड्राइव से इसने नहीं लिया, हमको इसको बैकअप डालना पड़ा। और आपको याद रखना होगा बैकअप दो तरह से दिया जाता है, या तो आप क्रिस्टल को भी ग्राउंड कर सकते हैं, या आप इसकी VCC Q और अपना VCC ये दोनों भी देकर कर सकते हैं। बहुत सा तरीका है, आपको याद रखना होगा। अब हम इसमें लाइन देंगे और आपको हम स्क्रीन पे ही लेके रखे हैं, और यहाँ पर जो हमारी ये BLON डायरेक्ट दिया गया है इसलिए व्हाइट जल रहा है। यहाँ पर हमारी रेड लाइट जली, और ये जो रिमोट है, रिमोट तो अभी भी काम नहीं कर रहा है दोस्तों, अभी भी काम नहीं कर रहा है। हम लोग एक बार की से ऑन करें, इसको हटा दें ये इस LBDS को, और एक बार हम लोग की से ही ऑन करें, हो सकता है की से ऑन करने के बाद कहीं रिमोट काम करे। और ये हमारा ग्रीन हुआ, यहाँ पर फिर वही वाल्टन है, और ये थोड़ा देर उसको समय देना पड़ेगा। ये दोस्तों ये हमारी सेट जो है ये चालू हो गई, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर मैपिंग की प्रॉब्लम, और इसकी रेजुलेशन हमारी दूसरी है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 8 digit सेम टू सेम स्मार्ट, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर आ गई हमारी नो डिस्प्ले, एकदम जैसा वो बैकअप था ठीक उसी तरह से। याद रखना दोस्तों, आप लोग जो सॉफ्टवेयर करते हैं ये 10 मिनट का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमको स्मार्ट बोर्ड ठीक करने के लिए, फुल इसकी बैकअप देने के लिए कम से कम आपको 2 घंटा ISP करना पड़ता है। आपको याद रखना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि सर ये कैसे होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा नो सिग्नल्स। अब देखें हमारी रिमोट काम कर रहा है कि नहीं, अब ये देखिए हमारा रिमोट भी काम कर रहा है, अब ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं, ऑफ भी हो गया, ऑफ भी हो गया और ऑन भी हो गया। थोड़ा सा पावर को प्रॉब्लम कर रहा है वो, ये रिमोट ये ऑन हो गया, और यही वाल्टन है, वाल्टन यहां पर ऑन हुआ, और देखे वॉल्यूम काम कर रहा है कि नहीं, यहां पर वॉल्यूम काम कर रहा है दोस्तों, देख रहे हैं। ये हमारी वाल्टन रिमोट जो है ये बांग्लादेश की फेमस, मतलब बहुत नामी, मतलब कंपनी है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और ठीक इसी के तर्ज पर हमारा यहाँ पर ये माइक्रोमैक्स में दिया जाता है, और बोर्ड नंबर 1 ही, लेकिन इसकी इसमें नहीं लगेगा, ये आपको याद रखना होगा। इसकी फुल डिटेल्स हम अपने ट्रेनिंग में कहीं पर भी देते हैं, यानी मुन्ना LCD LED स्मार्ट ट्रेनिंग। ओके दोस्तों, बाय।